हेलो एवरीवन, दिस इज अल्स कुमार एंड वेलकम टू एसकेसी द सिंपलेस्ट एंड फनी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का पार्ट 24 करने वाले हैं, और आप चाहते हैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन और करें इसको बनाने के बाद, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100/100 हो जाए, तो आप पार्ट 25 जरूर जाके देखें, इसी टाइप का है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आरएस में दिया है, एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में, सारा का कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है? तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197, -37। सीबीएसई 2015 में पूछा है। देखो, अब मैंने ना यहाँ पे क्या करना है, ये जनरली ना देखो टर्म इसमें देखोगे जनरली ऑड आएगा, लाइक ऑड में मिडिल वाला आसानी से निकलता है। जैसे तीन टर्म का एपी है, 2, 4, 6, 1, 2, 3, ठीक है? तो ये बीच वाला हो गया, 2 इधर से भी इधर से। अब मान लो आगे रहता 8, थोड़ा दिक्कत होता, पर इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखे हैं, इसमें कैसे पता करोगे मिडिल, 1, 2 इसको बोलोगे किसको बोलोगे? तो जनरली इस टाइप का देता नहीं, तो देखे नहीं है। चलो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे इसमें कई गो टर्म है, कई गो टर्म है। मान लो निकल गए 11 टर्म है, 11 में एक प्लस करेंगे 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे और वो एपी निकल जाएगा, ठीक है? वो टर्म निकलेगा, फिर वो एपी निकालेंगे, समझे नहीं समझे? कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले देख लीजिए, ए यहाँ से देख के लिख रखे हम 213, डिफरेंस घटा दो तो इसमें घटाओगे 105 में 113, साइन तो बड़ा वाला करेगा ना, -8। आप ऐसा गलती ना करना, मेरा तो हाथ गलती कर बैठा है, ठीक है? आपका नहीं करना चाहिए। चलो देखो, तो अब क्या करना है, तो लेट मान लेते हैं, लेट देयर बी एन टर्म्स, मान लेते हैं उस एपी में कितना है, एन टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, एन टर्म्स है तो क्या होगा ना बबुआ, टी एन इक्वल टू हो जाएगा 37। इसको क्या लिखे हो, फॉर्मूला पढ़े हो, एन माइनस वन डी इक्वल टू 37, समझे? इंक भरना पड़ेगा। देखो, ए का वैल्यू है 213 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है, -8, मत भूलना बाबू, ठीक है? 213, अब ध्यान से देखो, ये 213 जाके उधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, n माइनस वन इंटू -8, और इधर ध्यान से देखो जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, दिखाई देता हूँ, बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगा ना, इंटू माइनस, ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का होगा तो माइनस, तो घटाओ तो 13 में 7 जाएगा, तो 3 उधर 4 इधर, तो 6, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ कितना बचा बाबू, 10, ठीक है? 0 हो गया, तो 0 और इधर से लेगा, ठीक है? तो 10 में 3 जाएगा तो 7, और इधर कितना बचा होगा, 1, आगे देखिए। अब क्या करना है, ये इंटू में उधर जाके डिवाइड में, तो माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ध्यान से देखो बाबू, इधर है एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो गया, 22, ये माइनस में उधर जाके प्लस होगा, तो 22 और 1 21, ठीक है? 23 आ गया। अब बहुत बच्चा इसी में आंसर आ गया खुश होने लगे, नहीं आंसर नहीं आया, मत मिला लेना। देखो, कई कभी तो यही आंसर आप खोजते रहता हूँ, ये 23 आंसर नहीं है, ठीक है? ये 23 क्या है, एपी है 23। अब हम लोग पता करेंगे इसका मिडिल टर्म, ठीक है? तो मिडिल टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है? मिडिल टर्म इक्वल टू आ जाएगा 23 प्लस 1/2, ठीक है? सॉल्व करो तो 20, यही कर देता हूं ना, तो 24/2 यानी कि 12, कितना बाबू, 12 मारो। चलो देखो, मारो कितना है, 12। अब ये ही आंसर नहीं, इसको भी मत खोजने लगना,
तो आंसर क्या है? आगे देखो, 12वां टर्म निकालना है तुम्हें। क्या बोला? फाइंड द मिडिल टर्म। कौन सा मिडिल होगा ये नहीं पूछा है कि कौन सा टर्म मिडिल होगा, ये बोल रहा है 12वां टर्म मिडिल होगा, ठीक है? लेकिन 12वां टर्म कौन सा होगा, 12 टर्म, वो आपको फाइंड करना है। तो P12 क्या आएगा? a+n-1d। अब आप शुरू शुरू में बना रहे हो कि किसको लिखना है, डायरेक्ट लिखोगे तो बढ़िया, ठीक है? अब a कितना है जी? a जो है ना, ये जो है वो है 2, 1, 3। और बहुत बच्चे हैं डायरेक्ट 11d लिख देते, चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा, ठीक है? अब 12 ठो है, आपको पता है 12वां टर्म निकालने जा रहे हैं, ठीक है? d कितना है? -8, वही है नरी, वही है, ठीक है? 2, 1, 3 सॉल्व करो, कितना आएगा? 11 11 -8। बोर्ड मास पढ़ी हो ना, पहले गुना कर लेना फिर जोड़ना, ठीक है? चमक रहा है क्या? ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तब ठीक हो गया होगा, थोड़ा और ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। यार ये तो बड़ा लफड़ा है, और कितना कम करूँ? चलो देखो अब क्या करना है, ये भी आंसर। अरे यार बीच में रुका हुआ है, बस आंसर आने वाला, रास्ता में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है? 88, ठीक है? सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस, साइन तो बड़े वाला का। अब 13 में 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? 5, ठीक है? यहाँ 0 0 में यानी कि 10 10 में 8 जाएगा तो 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? घर पे एक दे चुके थे ना, आ जाएगा 125। और ये आंसर, और आप चाहते हैं इसी के जैसा करें तो जाके अगला देखें, और रिप्रोडक्शन का भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगा पार्ट 1 का भी और पूरा, ठीक है? इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा एपी का। थैंक यू।